लेकिन लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की खत्म हो गई है। बहुत बड़ी मुश्किल उनके राजनीतिक सफर में है। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा झटका है ये राहुल गांधी के लिए, क्योंकि संकट के बादल तो थे। कल सूरत कोर्ट का फैसला आता है, उनको 2 साल की सजा होती है मानहानि के मामले में, लेकिन अब उनकी सदस्यता खारिज हो गई है। तो ना सिर्फ ये राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए भी, क्योंकि 2024 के चुनाव बेहद नजदीक और 2019 का ये मामला जिसमें कल हमने देखा था कि जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था कि वो सत्य की राह पर है, अपने स्टैंड पर कायम है, और उन्होंने जो कोर्ट में जज के सामने कहा था कि उनकी मंशा किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, लेकिन जो 2019 का ये बयान था, अब सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खारिज हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से क्योंकि अब राहुल गांधी लोकसभा के सांसद नहीं रहेंगे, जो क्योंकि कहा जा रहा था कि 1 महीने की वो जमानत पर है। ऐसे में उनकी लीगल टीम क्या एक्शन लेती है, वो आगे कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। यतेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। यतेंद्र, लोकसभा की सदस्यता खारिज हो गई है राहुल गांधी की, बहुत बड़ा झटका तो है, और क्या जानकारी इसको लेकर के मिल रही है? कल ही कोर्ट का फैसला आता है। देखिए, कल कोर्ट के फैसले में साफ हो गया था कि राहुल गांधी की सदस्यता कभी भी जा सकती है, क्योंकि जो नियम है उसमें उसके अनुसार 2 साल की सजा है, उससे ऊपर की जो सजा होती है उसमें जो लोकसभा या किसी भी सदन का जो सदस्य होता है उसकी सदस्यता जाना बिल्कुल तय माना जाता है, और उसी को आधार बनाकर लोकसभा स्पीकर ने इस पर अपना फैसला सुना दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जो राहुल गांधी जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी सदस्यता रद्द की जाती है। कोर्ट के फैसले के आधार पर ये निर्णय माना जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि राहुल गांधी जो मानहानि के मामले में दोषी पाए गए थे उनको दोषी करार दिया, फिर 2 साल की सजा उनको सुनाई गई, हालांकि 1 महीने का समय जरूर उनको अपील करने का दे दिया था, लेकिन कोर्ट ने उस सजा पर रोक नहीं लगाई थी, और रोक न लगाने का एक ही बड़ा आधार इस फैसले के पीछे माना जा रहा है, क्योंकि सजा पर किसी भी तरह की रोक कोर्ट के द्वारा नहीं लगाई गई थी, और उसको आधार मानकर लोकसभा स्पीकर ने। अमित मालवीय हमारे साथ में जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं, यतीन मैं लौटूंगी आपके पास में। अमित जी, सदस्यता खत्म हो गई है, कांग्रेस ये कह रही थी कि ये सत्य की लड़ाई है, हम लड़ते रहेंगे, जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे। अमित जी, ठीक है, लौटेंगे उनके पास में, लेकिन ये राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है। अब आप इसमें ये चीज समझिए जो यतेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे थे आपको, कि देखिए कोर्ट अगर जो है सजा है उस पर भी रोक लगा देता तब राहुल गांधी के पास में कुछ और विकल्प थे हायर कोर्ट के लिए, लेकिन अब पूरी की पूरी गेंद जो है स्पीकर के पाले में जाती है, यानी कि स्पीकर बहुत कुछ तय करता है। अब स्पीकर ने सदस्यता खत्म कर दी है, यानी कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। फिलहाल वायनाड से सांसद हैं, वो भी खत्म हो चुका है। राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, और न केवल राहुल गांधी के लिए बल्कि समूचे कांग्रेस के लिए, क्योंकि राहुल गांधी भले ही अध्यक्ष ना हो लेकिन आज भी जब बात कांग्रेस की होती है तो जहन में राहुल गांधी का चेहरा भी आता है, क्योंकि वो कांग्रेस की विरासत को आगे लेकर चल रहे थे। लेकिन अब जब सदस्यता खत्म हो गई है, कल राहुल गांधी समेत उनकी बहन प्रियंका गांधी, पूरी कांग्रेस ये ट्विटर के जरिए बीजेपी पर आरोप लगाती है, सत्य की लड़ाई है, हम आगे लड़ते रहेंगे, हम हायर कोर्ट में जाएंगे, हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अब तो चीजें ही बदल गई हैं कि जब सदस्यता ही खत्म हो गई है स्पीकर तय करता है, और यतेंद्र जिस बात की जानकारी दे रहे हैं यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि देखिए कोर्ट अगर जो सजा थी उसको भी खारिज कर देता तब चीजें सही होती। यतेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए। यतेंद्र, ये बिल्कुल ठीक आपने कहा कि देखिए अगर कोर्ट सजा को भी खारिज कर देता तब तो इनके पास विकल्प थे, लेकिन अब तो हायर कोर्ट के लिए भी क्या विकल्प हैं, और लीगल टीम क्या कर रही है, और अब कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, हायर कोर्ट के लिए उनके पास विकल्प हैं, अभी 30 दिन का उन्हें समय दिया गया है अपील करने के लिए, तो और जो उनकी लीगल टीम है या जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कल ही मैसेज दे दिया था कि वो कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत में जाएंगे, यानी कि हाई कोर्ट का वो रुख करेंगे, और हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को फिर से लड़ा जाएगा, क्योंकि जो कल जो फैसला आया वो बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए माना जा रहा था, क्योंकि कोर्ट ने एक बार मैसेज भी दिया, जो दलीलें आई कि उसमें अगर वो माफी मांग लेते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने माफी मांगने से मना कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, 2 साल की सजा सुनाई, और 2 साल की सजा पर रोक नहीं लगाई गई, ये बड़ा आधार माना जा रहा है, और इसी आधार पर माना जा रहा है कि इसी आधार पर लोकसभा स्पीकर ने ये फैसला लिया है, क्योंकि नियम स्पष्ट है कि 2 साल की सजा या उससे ऊपर की सजा पर आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं रह सकते, आपकी सदस्यता खत्म की जा सकती है, और उस नियम
करते हुए लोकसभा स्पीकर ने ये फैसला लिया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि तुरंत प्रभाव से उनकी सदस्यता रद्द की जाती है। बिल्कुल, लेकिन यतेंद्र हमने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है, आज राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा, पैदल मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है, जगह जगह पर झड़प की भी खबरें हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। शाम को तो मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक करने वाले थे 5 बजे, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी की अब सदस्यता खत्म हो गई है। देखिए बिल्कुल, राजनीतिक तौर पर कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ना चाहती है, वो एक मैसेज देना चाहती है कि उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है और जानबूझकर राजनीति के तौर पर उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट का फैसला, कोर्ट के फैसले पर भी वो कहीं ना कहीं सवाल डालते हुए नजर आ रहे हैं, सवाल करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जो संवैधानिक संस्था है, कांग्रेस हमेशा से ये आरोप लगा रही है कि संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण किया जा रहा है और सरकार के इशारे पर हो रहा है। लेकिन कांग्रेस इस राजनीति की लड़ाई में ये भूल जाती है कि कोर्ट, जिस पर पूरे देश की निगाहें हमेशा इंसाफ के तौर पर जमी रहती है, उन कोर्ट को भी कांग्रेस अपने राजनीति के चक्कर में घसीटती हुई नजर आ रही है और इस पूरे मामले को वो राजनीति से जोड़ते हुए देखकर और एक अपने कैडर में एक मैसेज देने के लिए वो इस तरह का चाहे प्रोटेस्ट हो या वो पैदल मार्च हो या राष्ट्रपति से मिलने की बात हो, वो इन सबको करती हुई नजर आएगी। क्योंकि कांग्रेस कहीं भी राहुल गांधी के द्वारा जो बात की गई है, जो बीजेपी भी बार बार कह रही है कि पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान किया है, उसको कहीं भी वो दिखाना नहीं चाहती है, वो केवल यही मैसेज देना चाहती है कि उनको राजनीतिक तौर पर। यतीन राज, राष्ट्रपति से मिलकर चीजें कितनी बदलती, क्योंकि अब तो सदस्यता भी हाल फिलहाल के लिए खत्म हो गई है, लेकिन अगर राहुल गांधी हायर कोर्ट में जाते हैं तब क्या चीजें उनके लिए ठीक हो पाएंगी? देखिए, जहां तक राष्ट्रपति से मिलने की बात है तो ये उनका अधिकार है कांग्रेस पार्टी का कि वो किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलने का समय मांग सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जो फैसला लिया गया, जो लोकसभा स्पीकर ने अपने लीगल एक्सपर्ट से सलाह ली, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला है उसमें साफ है कि जो उनको 2 साल की सजा दी गई है उसमें किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई, और जब रोक नहीं लगाई जाती तो लीगल जो ऑप्शन बचते हैं उसमें साफ तौर पर है कि उसमें सदस्यता जा सकती है, और लीगल एक्सपर्ट्स की राय को ध्यान में रखते हुए ही लोकसभा स्पीकर ने ये कदम उठाया और उनकी सदस्यता रद्द करने का निर्णय लिया है। जहां तक हाईकोर्ट जाने की बात है, उच्च कोर्ट जाने की बात है, तो उनके पास वो ऑप्शन खुले हुए हैं और कल ही कांग्रेस के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया था कि वो इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस वो हाईकोर्ट में जाएंगे, और जब कोर्ट में तो जाएंगे, लेकिन अब तो सदस्यता रद्द हो चुकी है। एक तरफ तो पैदल मार्च निकाला जा रहा है, इसको राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जनता के बीच मुद्दे को लाने की बात हो रही थी, लेकिन राष्ट्रपति से मिलते उससे पहले सदस्यता खत्म हो जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे की शाम को हाई लेवल मीटिंग होने वाली थी, उससे पहले ही ये बड़ा फैसला आ जाता है, तो अब कांग्रेस नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, कल ही लगभग स्पष्ट हो गया था जब कोर्ट का फैसला आया था और उसमें स्पष्ट हो गया था कि उन्हें राहुल गांधी की सजा पर कोई रोक नहीं लगाई गई। फिर कल एक महत्वपूर्ण बैठक लोकसभा स्पीकर की अपने लीगल एक्सपर्ट के साथ होती है, प्रधानमंत्री जी के साथ भी उनकी एक मुलाकात होती है, जिसके बाद साफ हो जाता है, पूरी तस्वीर साफ हो जाती है कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह से ना सरकार और ना ही जो नियम है उन पर किसी भी तरह से झुकने को कोई भी तैयार नहीं है। तो ऐसे में लोकसभा स्पीकर ने इन पूरे जो कोर्ट का फैसला उसको ध्यान में रखते हुए, लीगल एक्सपर्ट की राय को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। लेकिन जहां तक कांग्रेस के पास लड़ाई का विकल्प है तो वो इस लड़ाई को जरूर राजनीतिक रंग देना चाहती है। हालांकि मामला पूरा कोर्ट का है, तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले में राजनीति करना चाहती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर राजनीति जिस तरह से ये मैसेज जाएगा कि उनके नेता को परेशान किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ठीक है, यतीन